कि हामी कर रहा है होमवर्क और मिशी कर रहा है मौज मस्ती। मामा हल्क देखना आपने। आर यू हंग्री मिशू? मिशू है हंग्री बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं देती हूँ आपको खाना देती हूँ मेरा बेटा। फ्रिज तो ओके, आई गिव यू दिस, फर्स्ट क्लोज द डोर प्लीज। ओके बिग हल्क लेना आपने। वन मिनट मिशी मांग रहा है स्किटर्स। वन मिनट मिशू आए थे हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। और आज की वीडियो स्टार्ट होते ही मैं तो थक गई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा दिल नहीं जा रहा था कोई काम भी करने का। एक्चुअली आज मेरा ना रेस्ट करने का मूड था। कल मैंने दाल बनाई थी तो वो थोड़ी सी ना लेफ्ट ओवर हो गई थी, तो मेरा प्लान था कि हम वही खा लेंगे, लेकिन अभी मैंने उसको देखा है तो वो इतनी थोड़ी है कि वो ना हम खा नहीं सकते सारे लोग मिलके एक ही दाल को। तो वो फिर इस वजह से मैंने क्या किया कि आलू के पराठे बना लिए, और साथ में तिहामी का बहुत दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, तो डोनट्स जो है ना उनको मैंने कर दिया है प्रूफ होने के लिए, उसकी डो रख दी है। हाँ, अब सीन ये है कि जनाब वेट लॉस जो है ना वो चल रहा है बिल्कुल भाग दौड़ करके, और आपने मुझे कहा था कि मैं आपको अपनी ट्रेडमिल दिखाऊं, और ऑल दो इसके और भी फीचर्स हैं लेकिन अभी शदाद घर नहीं तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। ये है ट्रेडमिल, और बस ये ट्रेडमिल है। ये है इसके एक्स्ट्रा फंक्शंस ना, और इसके साथ डंबल्स भी हैं, और एक वो ट्विस्टर टाइप होता है वो भी है, और ये भी प्लग के साथ लगता है, फिर वाइब्रेशंस होती हैं। आई थिंक ये बेली फैट को कम करने में हेल्प करता है। और बाकी जो है ये पैनल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सिंपल पैनल है, और यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए मैं आपको प्लग लगा के भी दिखा देती हूँ। बस इस तरह से है। और अच्छा, अब ये है कि इंक्लिनेशन जो है ना वो इसके ऊपर नहीं है, इंक्लिनेशन के बगैर वाली है ये ट्रेडमिल। और अगर आपने जो है ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो इंक्लिनेशन वाली ज़रूर लें। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि ट्रेडमिल जो है ना वो ना लें, क्योंकि उससे एंकल्स और नीज में पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और बल्कि मेरी कज़न ने मुझसे सजेशन लिया था, उसको भी मैंने यही बोला था क्योंकि मेरा पास का एक्सपीरियंस ऐसा है। लेकिन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक तो एक्सरसाइज के लिए जॉगर्स यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं वॉक करती हूँ, मैं अभी से फ़ौरन से रनिंग नहीं कर रही, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको दौड़ें लगाने की तो आदत नहीं होती है घरों में, और हम लोग जो है वो रोप स्किप कर लेते हैं, या वो भी अब आके तो बहुत कम हो गई हुई है। वॉक कर ली, ब्रिस्क वॉक कर ली, बस इतना सही है। तो हम लोग जब एकदम भागना शुरू करते हैं ना कि ट्रेडमिल है तो इस पर रनिंग करनी है, तो वो फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और वो तो एंकल्स और उनके लिए जो है ज़ाहिर प्रॉब्लम है नीज के लिए। तो मैं इसके ऊपर जॉगर्स पहन के ब्रिस्क वॉक कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी कोई नीज में और एंकल्स में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जो कि आज से 9 साल पहले जब माशाल्लाह से तिहामी हुआ था उस वक्त मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो और उसने 1 साल तकरीबन या उससे थोड़ा सा कम ले लिया था ठीक होने के लिए, और बैक में भी शुरू हो गया था। तो ये चीज़ है। तो बाकी ये है कि स्लोली लेके चलें, और अभी मैं इसके ऊपर 20 मिनट्स करती हूँ, और 15 मिनट्स में ये होता है कि मैंने स्पीड जो है वो 5 पे रखी होती है माइल्स पर आवर, और साथ में जो है 1 किलोमीटर में अभी कवर कर रही हूँ, सिर्फ इतना समय कर रही हूँ, लेकिन उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फ़र्क फील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ। डोनट्स बनाने के लिए हम ले रहे हैं दूध, और इसको हम नीम गर्म कर लेंगे माइक्रोवेव में, नीम गर्म दूध होना ज़रूरी है। उसके अंदर फिर हम डाल देंगे यीस्ट, ये मैंने टोटल 2 टीस्पून्स डाली है, ठीक है, और 2 टेबलस्पून्स शुगर के डाले हैं, और अब इसमें जाएगा सॉल्ट जो कि है 1/2 टीस्पून। इस चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पे आपने आम चम्मच अगर यूज़ किए ना, और आपने 2 टीस्पून चाय वाले यूज़ कर लिए यीस्ट के, तो बिलीव मी एक तो डो खट्टी हो जाएगी और उसमें यीस्ट की बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेजरिंग स्पूंस यूज़ करें। अब मैंने क्या किया, तिहामी ने मेरी हेल्प कराई, उसे मिक्स कर दिया था, और मैंने रूम टेम्परेचर पे अंडा लिया है, और रूम टेम्परेचर पे ही बटर है, और ये दोनों भी हमने इसमें ऐड कर दिए। बहुत सिंपल रेसिपी है, सब चीज़ें बेसिकली हमने ऐड करनी है, और इसको हमने कर देना है मिक्स।
अब आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना रहे, ये मिक्सचर वार्म होना चाहिए जिस वक्त आप इसमें मैदा डालें, क्योंकि नॉर्मली यीस्ट वाला मिक्सचर अलग से प्रूफ किया जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें डालेंगे हम मैदा और फिर एक ही दफ़ा इस डो को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये मैदा मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, वैसे तो पूरा ऐड हो गया था, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि डो जो है ना वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, तो बेहतर है थोड़ा सा मैदा बचा लिया जाए। अगर आपने अंडा बड़े साइज़ का यूज़ किया है तो फिर ये जो 400 ग्राम मैदा मैंने आपको बताया ये परफेक्ट होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि अंडा छोटे साइज़ का ना तो फिर थोड़ा सा मैदा बचा के रख लें। यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये देखें इतनी सॉफ्ट और इतनी ही स्टिकी डो होनी चाहिए, और इसको अब हम नीड करना शुरू करेंगे ना तो इसकी स्टिकीनेस कम होती जाएगी लेकिन सॉफ्टनेस यही रहेगी। अब ये देखें यहाँ पे ट्रिक यही है, देखने में ऐसे लग रहा है कि इससे किस तरह से डोनट्स बनेंगे, और आप जब पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ी टेंशन भी हो जाएगा कभी डोनट्स नहीं बनाए कि ये क्या बन गया, लेकिन बिलीव मी इसको आप नीड करते जाए, मैं आपके सामने नीड कर रही हूँ, और एक बार हैंड्स वॉश कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। अच्छी तरह से नीड करना है, किसी किस्म की भी कोई अंदर लम्स ना रहे, और फिर आप ये देखेंगे कि जूं जूं आप इसे नीड करते जा रहे हैं 6 से 7 मिनट के लिए इसकी स्टिकीनेस कम होती जा रही है और ये वर्केबल होती जा रही है। ये देखें मैं हैंड्स वॉश करने गई हूँ और तेहामी की जो हैंड्स क्लीन थे, तो आप देखिए अंदाज़ा करें कि यह अब उस तरह से स्टिकी नहीं है। जो डो की फाइनल लुक होनी चाहिए और टेक्सचर होना चाहिए वो ये कि इस तरह से एक्सट्रीमली सॉफ्ट बट वर्केबल, और थोड़ी सी स्टिकी हो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी स्टिकी ना हो कि हाथों पर लगने लग जाए। ये देखिए अब मैंने हैंड्स वॉश किए हैं तो मेरे हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसको हमने कुछ ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, इसको बटर इसमें ऑलरेडी था, हम इसको इसी तरह से बस बोल में डाल देंगे और कवर करके हम इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे 40 मिनट्स के लिए, या फिर जिस वक्त आपकी ये डो डबल हो जाती है साइज़ में 40 मिनट से पहले भी, अगर आपके मतलब एरिया में हीट ज़्यादा है किचन में तो हो सकता है पहले ही डबल हो जाए, उस टाइम पर हमने नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाना है। और जिस वक्त डो प्रूफ हो रही है मैंने सोचा था जल्दी जल्दी आलू के पराठे बना लेती हूँ, और काफ़ी बड़े बड़े इस दफ़ा मैंने पराठे बनाए थे, और मैंने नोट किया कि जितने बड़े पराठे हो ना उतना ही खाने का मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि हम कहीं बाज़ार के पराठे खा रहे हैं। तो ये देखें आज मैंने काफ़ी बड़े बड़े पेड़े बनाए थे, तो चलें थोड़ा सा जो है वो पराठा मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो इन्जॉय करते हैं। जो आलू का मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, कोई धनिया नहीं था, और बहुत ही क्या कहते हैं बेसिक सा ये मसाला था, लेकिन वही बात है कि ड्राई स्पाइसेस तो घर पे सारे पड़े ही होते हैं ना, तो टेस्ट ओवरऑल अच्छा बन जाता है, लेकिन धनिया वगैरह हो ना तो फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट इट्स ओके, गुजारा हो गया था। कभी कभी होता है ना कि आपका प्रॉपर बड़ा बड़ा सा डिटेल में खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो उस वक्त ये चीज़ें जो हैं वो सही रहती हैं। और कई बार तो काम ना करने का इतना वो होता है ना दिल चाह रहा होता है कि इंसान हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढता है, और ये देखें मैं अभी आपके सामने डायरेक्ट कैन में से मैंने इसमें ऑयल डाला है और वो ऑयल कितना ज़्यादा हो गया, आपको अगर आपने मुझे देखा हुआ पराठे बनाते हुए तो आपको अंदाज़ा है कि मैं कितना कम ऑयल यूज़ करती हूँ, और ये जितने भी मैंने पराठे बनाए थे इन सब पे बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ हुआ था क्योंकि मैं सुस्ती कर रही थी। एनीवेज़ ये देखें ये डो डबल हो गई थी, मैंने इसे डिफ्लेट कर लिया इस तरह हाथों की हेल्प से, और इसे राउंड सा मैंने बना लिया, और अब मैं इसको कट कर लूँगी 12 इक्वल स्लाइसेस में, इसके 12 डोनट्स बनेंगे। अब आते हैं मोस्ट फन पार्ट की तरफ, यहाँ से मैंने एक पीस ले लिया और इस तरह से मैंने इसको रोल करते करते लंबी सी एक इसकी स्टिक सी बना ली है, और इसके बाद मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी एक ही को कर रही हूँ, वरना मैं 2-3 बना के रख देती हूँ तो उतनी देर में वो श्रिंक होना बंद हो जाती है, वरना आपको पता है मैदा जल्दी जल्दी श्रिंक होता है। और ये देखें बस इस तरह से हम इसे ट्विस्ट करते गए और आखिर में जो दोनों किनारे हैं उसको हमने आपस में पिंच कर दिया, तो ये डोनट रेडी है। आप चाहें तो आप डोनट कटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोबारा देख लें, ट्विस्ट किया और दोबारा आपस में ट्विस्ट करते गए। अच्छा ये जो डोनट्स है ना ये ग्लेज्ड डोनट्स नहीं है, वो मैं आपको आखिर में रीज़न बताऊंगी क्यों, ये शुगर वाले शुगर कोटेड डोनट्स ही इससे सिर्फ बनेंगे, और ग्लेज डोनट की रेसिपी भी डिफरेंट होती है और ग्लेज उसकी ज़ाहिर साथ बनाई जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जब तक कि हम प्रोसेस देख रहे हैं, वो ये है कि डो जिस वक्त आपकी डबल हो जाएगी साइज़ में आपने फ़ौरन डोनट्स बनाने शुरू कर देने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा देर डो पड़ी रहेगी, एक तो वो खट्टी भी हो सकती है, दूसरी बात ये कि उसमें यीस्ट की स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है,
तो अगर आपको लगता है आपके डोनट्स में यीस्ट की स्मेल आ रही है तो वो यीस्ट का फॉल्ट नहीं होता, वो आपके जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई होती है। सो यीस्ट सारे ही सही होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपने या तो क्वांटिटी उसकी मेजर करके नहीं डाली, आम चम्मच यूज़ कर ली और यीस्ट की, या तो क्वांटिटी आपके उसमें फूड में बहुत ज़्यादा हो गई है डो में, तो या फिर आपने बहुत ज़्यादा देर प्रूफ कर दिया है। ये देखें जल्दी जल्दी जो है वो सारे डोनट्स मैंने बना दिए और अब इनको मैं दोबारा से प्रूफ होने के लिए रख दूँगी और इतनी देर रखूँगी कि फिर से साइज़ में डबल हो जाएं। सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। इनको मैंने अब कवर करके रखा है एक कपड़े की हेल्प से। तो हामी साहब मुझे बताएं अगर डोनट्स अच्छे ना बने तो फिर क्या पनिशमेंट मम्मा की? तो फिर मुझे अच्छा फिश खानी है। अगर मतलब अच्छे बने ही नहीं तो फिर मैं आपको क्या करूंगा या आप मुझे क्या करूंगा? आप मुझे क्या पनिशमेंट दोगे अगर मैंने अच्छे नहीं बनाए तो? नहीं, सही तरह बताओ ना। मुझे पता है आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है ना, लेकिन फिर भी सोचो कि आपको मुझे पनिशमेंट देनी हो और आपको कहो कि मम्मा डोनट्स ही नहीं सही बनाए, तो कोई फनी सी पनिशमेंट सोच लो, कुछ भी सोच लो। पनिशमेंट ये हाय अल्लाह थे हामी, हाय अल्लाह, क्योंकि मैंने आपसे टैब वापस ले लिया है। टैब वापस लिया और आपने डोनट्स बहुत गंदे बनाए। ये मेरा बेटा इतना प्यारा है ना, मैंने इसे कहा है कि अब आपने टैब पैक करके रख देनी है और वो देखें टैब वो पड़ी है और मेरा बेटा अब टैब से नहीं खेल रहा। फिर सिर्फ आपको 5 आवर्स की पनिशमेंट मिलेगी कि आप अपना और मेरा बेटा इतना तरस आता है मामा पे। अच्छा जो ग्लासेस लेने हैं थोड़े डिफरेंट किस्म के लेना था है ना, बोरिंग ना लो, कुछ डिफरेंट से लो। अच्छा वो जो दूसरे ऊपर पड़े हुए ना वो अब आपको छोटे हो गए हैं, लेकिन वैसे वो हैं बड़े प्यारे स्टाइलिश है ना, उस तरह की चीज़ को ही लेंगे स्टाइलिश से अच्छी सी। ठीक है ज़रा बाबा की पॉकेट खाली कराएंगे। तो अब मैं मिशी को थोड़ा सा खाना खिला लेती हूँ और फिर उसके बाद मैंने डोनट्स फ्राई करने हैं, क्योंकि शहजाद के आने में बस इंशाल्लाह 1 आवर और 15 मिनट्स रह गए हैं और मैंने अगर उस वक्त तक नहीं बनाया ना डोनट्स तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएंगे। और आज इसके ग्लासेस भी लेने हैं क्योंकि टूट गए हैं, तो दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मैं स्किप कर सकती हूँ। तो खैर चलिए जल्दी जल्दी खाना खिला के फिर आते हैं इस तरफ। और ये देखें अब मैंने ऑयल गरम कर रही हूँ, मीडियम से कम है फ्लेम और लो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि डोनट्स बिल्कुल भी हल्की आग पे नहीं बनाने, नहीं तो ये बहुत से अंदर से हार्ड से बनेंगे और अगर आप बहुत तेज़ ऑयल के ऊपर बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ऊपर से जल जाएंगे और उस तरह की लुक नहीं आएगी। अभी मेरे केस में देखें कि ऑयल जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है मैंने हीट कर लिया हुआ है और कोई बात नहीं, आपसे एक बार गलती हो जाए, मैंने तो ज़्यादा इकट्ठे डाल लिए हैं ना, लेकिन आप एक एक डाल के देखें कि अगर ज़्यादा तो नहीं डोनट ब्राउन हो गया, गलती हो जाए तो एटलीस्ट सारा बैच आपका ख़राब नहीं होगा। डोनट में थोड़ी थोड़ी सी टिप्स होती हैं, एक दो बार आप बनाने लग जाएंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2-4 टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना होता है। और ये डोनट्स जो है ना ये बस जल्दी जल्दी फ्राई होते जाते हैं, ये आई थिंक लेस देन ए मिनट में बन गए थे। यहाँ पे ट्रिक ये है फ्लफ़ी डोनट बनाने का कि डोनट को शेप देने के बाद भी आपने इनको डबल होने का मौका ज़रूर दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो खट्टे हो जाएं। ठीक है सिर्फ डबल डबल होने तक डो हमने वेट करना है। ये देखिए डालते ही बाहर से थोड़े से फूल जाते हैं, लेकिन अंदर जो फ्लफ होगा ना वो सिर्फ इस वजह से होगा कि आपने उसको फूलने का मौका दिया था। और ये देखें जल्दी जल्दी से हम इसको पलटना शुरू कर देते हैं और लेस देन अ मिनट में डोनट्स रेडी हो गए थे। इंटरनेट पे आप रेसिपीज देखते हैं तो लिखा होता है 2 से 3 मिनट्स ऑन ईच साइड, जो कि बिल्कुल गलत होता है, जो कि मिसगाइड करता है। और यहाँ पे गरम गरम डोनट्स को मैंने साथ ही शुगर में इस तरह से कोट करना शुरू कर दिया, आम चीनी आप चाहें तो सिनेमन शुगर भी ले सकते हैं। और जिस वक्त आप कढ़ाई से डोनट्स निकालेंगे ना तो ये बाहर से थोड़ी सी सरफेस हार्ड सी लगेगी और आप ये एकदम सोचेंगे कि यार ये क्या है, ये तो डोनट्स तो बड़े सॉफ्ट होते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये हैं शुगर कोटेड डोनट्स, तो ये गर्मा गर्म आपने कढ़ाई से निकालते ही शुगर में कोट कर देना है अच्छी तरह से, उससे क्या होगा शुगर मेल्ट हो जाएगी और इसको ऊपर से सॉफ्ट कर देगी और फिर ऐसे क्रीमी से मुलायम से डोनट्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में शुगर अपना कमाल कर देगी।
और डोनट्स की ये रेसिपी मैं आपके लिए बहुत इजी से लेके आई हूँ। जो डोनट्स बनाते हैं उनको पता है कि डोनट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं और सारी की सारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे इजी रेसिपी है, एटलीस्ट जो कलेक्शन मेरे पास है। तो आप खूब इसको इन्जॉय करेंगे और अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है, अगर आप डिटेल में सब एक एक चीज़ जो मैंने बताई है फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इंशाल्लाह कीपर रेसिपी है और आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। ट्राई करें, बनाएं, इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम साहब रेडी टू गिव योर रिव्यूज। मुझे क्यों लग रहा है, ले लो मैं दिल चाहे हाथ ही ना लो, लेकिन देखना नीचे ना गिरे, एंड्स ना आ जाए ना। जी मैंने ना, इतना सॉफ्ट है, माइक लेके देखो। ये इतने मजे के और स्वीट है और बहुत सॉफ्ट है। थैंक यू, वेलकम। चलिए हगी हम इसमें भी दिखाते हैं ना। हगी जैसे आप दिखे हम दोनों हगी को। हगी थैंक यू, एंजॉय। यही ब्रेड में लगा के हम पूरा भी नहीं आते यहाँ से। शुक्रिया मैंने आपको फोन भी दे दिया। ये देखें कितने सॉफ्ट है, ये देखें मजे से निकल गई, ये देखें। यम यम। तो जनाब हम तो खा रहे हैं डोनट्स और हमने तो बाबा का वेट भी नहीं किया है ना। बहुत मजे के बने हैं, आप लोग भी जरूर ट्राई करें और फ्लफी से मजे मजे के, आपको आपके बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे और तेहामी तो एंजॉय कर रहा है। और मम्मा अभी खा रही थी तो कह रही थी कि डिड आई मेक दिस, तो मैंने कहा यस यू मेड इट इन योर ओन वे, नॉट वे। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।